और मैं एक कोकोनट सेल आर्टिस्ट हूँ। विशेष करके मैं मिनिएचर आर्टिस्ट एंड बिग पिकॉक डिज़ाइन आर्टिस्ट हूँ, जो कोकोनट सेल में मैं बना के 2020 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किया हूँ। जी, आपको पता है कि मेरा स्टेट उड़ीसा है, एंड उड़ीसा का पहला नाम था, पुराना नाम था उत्कल, जो उत्कर्ष कला बोलते हैं। तो उड़ीसा के बारे में मैं पहले ये तो बताऊंगा कि जो स्टेट का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, ये है उड़ीसा का आर्ट एंड कल्चर। इसका रिच हेरिटेज है, उसका टेंपल आर्किटेक्चर, एंड आप अगर देखेंगे तो सारा वर्ल्ड में उड़ीसा फेमस है उसका आर्ट एंड कल्चर में। इसको ध्यान में रख के मैं इस आर्ट एंड क्राफ्ट लाइन में आया हूँ, ताकि जो काम भी मैं करूँगा सारा वर्ल्ड में उसका मार्केट होगा। और वैसे भी यहाँ पे हमारा पुरी ले जाइए, कोणार्क टेम्पल जो हमारा हेरिटेज है, ये सब हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे पास में ही मुझे मार्केट मिल जाता है। तो इसी आइडिया को लेके मैं जब देखा कि उड़ीसा में हमारा कोकोनट सेल जो है बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में कोकोनट सेल को हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फेंक देता है, कूड़ा समझ के, जो बोलते हैं वेस्ट समझ के। तो इसके ऊपर मेरा ध्यान आया कि व्हाई नॉट वेस्ट टू वेल्थ एंड स्क्रैप टू क्राफ्ट मेकिंग इनिशिएटिव में मैं कुछ करूं। दो, मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूं, और इस हिसाब से मैं थोड़ा मेरा इनोवेशन स्कोप पुट किया, और मैं देखा कि बेहतरीन प्रोडक्ट में, कमाल का प्रोडक्ट में बना पाया, जो मार्केट में एक मार्केट क्रिएट कर पाया, एंड बहुत सारा डिमांड भी मुझे अभी आ रहा है। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं देखा कि मेरे जैसा कुछ स्किल्ड मैन पावर मुझे चाहिए, और ये मेरा खुद का जो इनोवेशंस है, तो इसलिए स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा था। तो मुझे एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना पड़ा, वहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि ज्वेलरी हो गया, या हमारा इयररिंग्स हो गया, बटन्स हो गया, ये महिलाएं बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और बड़े बड़े क्राफ्ट के लिए मैं जो यूथ है, यूथ को, उनको एनकरेज करता हूँ कि आप ये कोकोनट सेल को वेस्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट सेल मिल रहा है, मैं आपको स्किल दे रहा हूँ, आप ये काम सीखिए और आगे इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होइए।